पंजाब के दयारे इक्तदार को इल्म की रोशनी बांटने के लिए जिन तारीखी कॉलेजेस की बुनियाद रखी गई उनमें सरे फहरिस्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट दयाल सिंह कॉलेज है जो 1910 में कायम किया गया। दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज शहर के कल्ब में वाके एक ऐसा शानदार इदारा है जो तारीख और रिवायात का अमीन है। इसमें दाखिल होते ही बहुत से आसार आपको इसकी एक सदी से जायद दरसे की कहानी सुनाते नजर आएंगे। तारीखी आसार के अलावा जो चीज़ आपको मुतासिर करेगी वो इस कॉलेज में मौजूद कुदरती खूबसूरती है, जहां कॉलेज के सरसब्ज लॉन्स आपकी आंखों को एक नाकाबले बयान सुकून बख्शेंगे। गवर्नमेंट दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज की आगोश में मुतादिद लॉन्स मौजूद हैं, जहां मौजूद हजारों जड़ी बूटियां, पौधे और दरख्त ना सिर्फ कॉलेज की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि माहौलियाती और इल्मी हवालों से भी अहमियत की हामिल हैं। ये डॉक्टर तैयब यकूब साहब के वक्त से ये पौधे हम लगा रहे हैं। डॉक्टर तैयब यकूब साहब को पौधों का बहुत शौक था, हमें भी था, उस वक्त से पौधे लगा रहे हैं, लेकिन इसमें तेज़ी आई है डॉक्टर अमाद साहब के आने से, क्योंकि इनका सब्जेक्ट बॉटनी है तो मुझे भी शौक है पौधों का, तो इनके दौर में हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन अब तक 1000 पौधा हम लगा चुके हैं, 1500 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये जी हमारे पास किन्नों का पौधा है, ये तकरीबन 15 साल पहले लगाया था यहाँ पे, तो ये आप इसका फल देख रहे हैं। ये जो आम अमरूद देख रहे हैं ये स्पेशल अमरूद है, और इसकी खूबी है कि अंदर से भी रेड है और बाहर से भी रेड है, तो ये हमारे काले में इस किस्म का एक ही पौधा है। ये जो पौधा देख रहे हैं आप इसको मीठा कहते हैं, मीठे का पौधा कहते हैं, और ये हमारे काले में मीठे का पौधा एक ही लगा हुआ है। इसके लिए मिट्टी स्पेशल तैयार करनी पड़ती है हर पौधे के लिए, क्योंकि मेरा ज़िम्मेदार घराने से तल्लक है, कुछ ख़ानदानी तौर पर मुझे पता है, और प्रिंसिपल साहब बॉटरी के हैं तो उनकी रहनमाई के साथ हम इसकी ख़ास मिट्टी तैयार करते हैं, और हर पौधे के लिए स्पेशल मिट्टी तैयार करके इनको डाली जाती है और रोज़ाना इनको पानी दिया जाता है, और ख़ुद मैं इसकी निगरानी करता हूँ, और इसका नतीजा आप देख रहे हैं। इसका एक लॉन कॉलेज के कदीम इमारत के सामने मौजूद है, इसका दूसरा लॉन न्यू कैंपस या ग्रेजुएट कैंपस के सामने मौजूद इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस है, जहां बुलंदोबाला फलदार और सायादार दरख्त मौजूद हैं। ये आपके सामने जो पौधा है ये अंजीर का पौधा है, इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं लगे हुए को, और ये काफ़ी अंजीर दे रहा है आपके सामने है, ये कुछ मैंने तोड़ी भी हैं। लाल बादशाह कहते हैं इसको, ये प्योंदी आम है, ये तकरीबन 2 साल पहले लगाया गया, और इस दफ़ा इस पे ऊपर तकरीबन 200 फल लगा है, 200 पीस लगे हैं आम के। यहाँ पे केले के पौधे लगे हुए हैं, स्पेशल केले के पौधे लगे हुए हैं, और इनको जितना ये साइज इनका, इसको हर दफ़ा हर साल यहाँ पे केले लगते हैं, और आप दूसरे केले जो देसी होते हैं वो तो बड़े होते हैं, लेकिन ये स्पेशल केले हैं, इनको कहते हैं वो जापानी केला, तो इनको छोटे पौधे को ही फल लग जाता है, आप इसे खा भी सकते हैं, उनको हाथ भी लगा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब की रहनमाई के साथ हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करेंगे ताकि माहौल में बेहतरी आ सके।